अन्य देवी देवताओं की परिक्रमा पूरी दी जाती है, पर शिवस्य अर्ध परिक्रमा। देखो, जब आप गणेश जी के मंदिर में जाते हैं तो गणेश जी के मंदिर में जब भी आप जाए तो गणेश जी के मंदिर में तीन परिक्रमा देनी चाहिए। कितनी देनी चाहिए? तीन परिक्रमा। नारायण जी के मंदिर में जब आप जाओ तो चार परिक्रमा देने का विधान है। नारायण 24 अवतारों में, चाहे कोई भी अवतार है, चाहे राम जी हैं, चाहे ठाकुर जी हैं, चाहे नरसिंह जी हैं, चाहे वामन भगवान है, चाहे मत्स्य भगवान है, चाहे कुर्मा अवतार है, 24 अवतारों में किसी भी अवतार के मंदिर में आप जाते हैं तो चार परिक्रमा यदि आप नहीं देंगे तो आपको परिक्रमा का पूरा फल नहीं मिलेगा। कितनी परिक्रमा देनी है? चार। चार बार यदि ना घूम सको तो एक परिक्रमा दो, और तीन बार ऐसे ये तर्जनी और अंगुष्ठ को मिलाकर ऐसे दोनों हाथ करो और ऐसे आप तीन बार घुमा देंगे तो भी परिक्रमा हो जाएगी, या फिर सर से ऊपर दोनों हाथ ऐसे मिलाकर, दोनों हाथ की उंगलियों को मिलाकर ऐसे आप घुमा दोगे तो भी आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। लेकिन चार परिक्रमा नारायण जी की देनी चाहिए, तब जाके नारायण जी की पूजा का आपको पूरा फल मिलता है। ये मुद्राएं हैं जो मैंने आपको बताई, ये मुद्रा विज्ञान है, हर देवी देवता की मुद्रा है, ये परिक्रमा की मुद्रा है। होता है ना, कई बार आपका मन तो है परिक्रमा देने का पर आपके पास समय नहीं है, इसलिए एक परिक्रमा पूरी दे दो और तीन बार जैसे मैंने कहा। कैसे कैसे किया हाथ करो जरा सभी। हाँ, सर के ऊपर दोनों हाथ ले जाएंगे और उनको ऐसे बिल्कुल मिलाकर, ये हाथ आपके मिले हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे कर दिए ऐसे ढीले रख दिए, नहीं, बिल्कुल ये सटे हुए होने चाहिए दोनों हथेली। हथेलियों के सारे ये पर्व होते हैं, ये पर्व, ये जितने भी है ना, उठा हुआ भाग, ये पर्व होता है, ये पर्व मिलना चाहिए ऐसे, तब ये पूर्ण हुआ, तब जाके आप जो परिक्रमा देंगे उस परिक्रमा का आपको पूरा फल मिलता है। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की, तो चार परिक्रमा नारायण जी की देनी चाहिए। और माता चंडिका की, चाहे दुर्गा है, चाहे बालासुंदरी है, चाहे जो भी माता है, उनकी एक परिक्रमा देनी चाहिए। कितनी देनी चाहिए? एका चंडी। भगवती की एक परिक्रमा देने का विधान है, एक से ज्यादा नहीं देनी चाहिए। और सूर्य भगवान की सात परिक्रमा कही है, रवे सप्त। सूर्य भगवान को जब आप परिक्रमा दो तो वहां सात परिक्रमा दो, सात बार यदि नहीं घूमा जा सके तो एक बार घूमकर परिक्रमा दे दो, और उसके बाद जैसे मैंने बताया उस क्रम से छह बार घूम जाओ, सूर्य की पूरी सातों के सात परिक्रमाओं का आपको फल मिल जाएगा।